महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशन में कोविड 19 से प्रभावित हुए बच्चों को सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुरादाबाद जनपद में भी जिला प्रशासन के दिशा निर्देशन में कोविड 19 से प्रभावित हुए परिवारों के बच्चे सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उन बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में कांटोड विकास भवन के सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा बच्चों से खास मुलाकात की गई और उनका हालचाल भी जाना गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्ध प्रिय सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी और मंडलीय प्रोविजन अधिकारी राजेश चंद्रगुप्त भी मौजूद रहे। वहीं गुरुवार को आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा सभी बच्चों से हालचाल जाना गया और उनकी बातों को सुना गया। वहीं अभिभावक की तरह पेश आ रहे जिलाधिकारी मुरादाबाद बच्चों को मोटिवेट करते हुए नजर आए, तो वहीं उनके रिश्तेदारों से भी डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने अभिभावक की तरह बात की और लगभग एक घंटे से अधिक का समय उनके साथ गुजारा। बच्चों को खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया गया और कहा गया कि सभी बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करें और एक अच्छा नागरिक होने का सबूत दें। साथ ही इस समय उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई, इसलिए सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव द्वारा कहा गया। थोड़ा सब लोग आए हैं, इतनी अच्छी अटेंडेंस आप लोगों ने दी है, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, इन्होंने पढ़ाई में एकदम इंटरेस्ट ले रहे हैं, टेबल्स याद कर रखी हैं, आप लोग सब व्यवहार से भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं सब लोगों से, बिहेवियर में भी आपका कोई ऐसा इशू नहीं दिखा किसी को कि अलग से लगे कि आप सोसाइटी से लिंक नहीं कर पा रहे हैं या कोई परेशानी आपको घर पर झेलनी पड़ रही है। तो मैं जो अभिभावक आए हैं आप लोगों को भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतने अच्छे से देख रेख कर रहे हैं सभी बच्चों की, कि आज वो सब यहाँ पर आके हमारे सवाल का और हमारी जो भी चर्चाएं हैं इसमें बहुत ही अच्छे से हम सबसे बात कर रहे हैं। आप लोगों ने जो समस्याएं बताई हैं, आपकी जो समस्याएं हैं हमने नोट कर ली हैं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द जो है हम इन समस्याओं को दूर कर दें और जो जहाँ यथासंभव जितनी मदद हम हो सकती है आप लोगों की हम करेंगे। वहीं कार्यक्रम की बाबत जब जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि आज वे विकास भवन के सभागार में मौजूद हैं। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, हालचाल जाना, पूरा करने का निर्देश दिया। सर आज किस उद्देश्य को लेकर बैठक की गई है? देखिए कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके कोविड के दौरान कोई एक पेरेंट एक्सपायर कर गए, उनकी आजीविका की उनके सामने समस्या थी। इसके तहत पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत जो बच्चे जिनके गार्जियंस नहीं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको चयनित किया गया है। अपने जनपद में पीएम केयर्स के अंतर्गत 9 बच्चे ऐसे चयनित हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। इन बच्चों के खाते में 10 लाख रुपए जमा किया जाता है और 18 साल का होने के बाद 18 से 23 साल तक के बीच उसका ब्याज इनको हर महीने मिलेगा और 23 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिलेगा। इसके अलावा 18 साल तक होने तक इनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत भी 4000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा जिससे इनकी पढ़ाई लिखाई चलती रहे। इसी तरह से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य योजना है जिसमें 2500 रुपये मिलता है जो कोविड के अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित थे और जिनकी डेथ हो गई है ऐसे बच्चों को उनके बच्चों को योजना का लाभ दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने उन बच्चों से बात की जिससे उनको कोई समस्या न हो, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन जिला मजिस्ट्रेट होते हैं पदेन, जिला मजिस्ट्रेट को इसलिए नामित किया जाता है उनके माता पिता नहीं है। तो ऐसे में प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि इन बच्चों का ध्यान दें, इनको अगर कोई तकलीफ हो तो उसका हम निदान करें। आज बच्चों से बातचीत में कुछ छोटी छोटी बातें आईं, कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, कुछ लोगों के आयुष्मान कार्ड की बात आई, कुछ लोगों के रहने की समस्या है। सभी समस्याओं को हम लोगों ने नोट किया है और इन समस्याओं को एक गार्जियन के रूप में जल्दी से जल्दी हम निदान करेंगे। कुछ बच्चों के एडमिशन की भी बातें आई हैं कि बेहतर स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी टीम व्यवस्था करेगी कि जो बेहतर से बेहतर स्कूल हो, जो बेहतर से बेहतर शिक्षा हो, इन बच्चों को दिलाई जाए। साथ ही इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ जनपद मुरादाबाद के अलग अलग इलाकों से आए लाभार्थी बच्चे और उनके अभिभावक मौजूद रहे।